कि आप लोग क्या सोचते हैं इस रिजल्ट के बारे में। अगर मेरा पर्सनल रिव्यू माना जाए तो रिजल्ट तो शक के दायरे में है। कॉलेज को संभवतः टारगेट भी कर सकता है, जैसे सीएम साइंस कॉलेज, आरबी कॉलेज, आरबी कॉलेज। यूनिवर्सिटी को प्रेशर था जल्दी रिजल्ट देना था, उसको जल्दी रिजल्ट देना था। इस प्रेशर का ही संभवतः ये कारण है कि इतना ज्यादा बच्चे के साथ ना इंसाफी बोल सकते हैं, इतना ज्यादा बच्चे के साथ ना इंसाफी हुआ है, बहुत सारे बच्चे को फेल कर दिया गया। उसको भी शेयर कीजिए, उसको भी नींद जागना पड़ेगा। अगर नींद नहीं जागेगा आपके साथ भी दिक्कत होगा, क्योंकि आपका ये 7 सेमेस्टर के एग्जाम और देना है, 7 सेमेस्टर का रिजल्ट और आएगा, ये तो सिर्फ झांकी है। दोस्तों स्वागत करते हैं आपके चैनल स्टूडेंट जंक्शन पे। दोस्तों जैसे ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बीएससी वाले का यानी कि साइंस वाले का फर्स्ट सेमेस्टर, जी हाँ 23 से 27 वाले का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो जारी किया, यानी कि पीडीएफ ही जारी हुआ है, उसके बाद बच्चों का कॉल और मैसेज इतना आने लगा कि इस पे वीडियो बनाना मजबूरी हो गया। और इसे मैं मजबूरी नहीं जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपके लिए आवाज उठाना बनता है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिजल्ट जारी हुआ, क्या ये रिजल्ट सही है। आप लोग अपना अपना इस पे रिव्यू दीजिएगा। मैं मुझे क्या लग रहा है, मैं क्या देखा हूँ रिजल्ट में, जो कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, देख सकते हैं। ये दो यानी कि 2-4 पेज में मैं यहाँ पे पूरा रिजल्ट, जहां जहां मुझे ज्यादा गड़बड़ी मुझे जहां दिख रहा है, रिजल्ट या तो बहुत अच्छा कॉपी चेक हुआ है, या तो एवरेज मार्किंग करके बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया। कुछ ऐसे कॉलेज के मैं नाम बताऊंगा जिसमें बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया, आधे से ज्यादा बच्चे को लगभग फेल कर दिया गया या फिर परमुट कर दिया गया है। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट को देखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप कोई बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो समझ रहे कि मेरा तो रिजल्ट पास है, तो भाई साहब एक बात आप समझ लो, ये सिर्फ 1 सेमेस्टर का रिजल्ट है। ऐसे ऐसे 8 सेमेस्टर यानी कि आपको अभी और 7 सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है। 7 सेमेस्टर का आप एग्जाम दीजिएगा। तो कोई बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि हम पास हो गए तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो आप इस भ्रम से दूर रहिए। आपको 7 सेमेस्टर का एग्जाम और देना है और 7 सेमेस्टर का रिजल्ट आपको और देखना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना जो कर्तव्य है, अपना जो दायित्व नहीं समझिएगा, फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। स्पेशली हम बात कर ले दरभंगा का, खासकर दरभंगा का अगर बात करूं, मैं चारों स्ट्रीट की बात करूंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय चारों डिस्ट्रिक्ट में बात करूंगा। जो मुझे जहां दिखा, जो पीडीएफ जो रिजल्ट का आया है, मैं उस सारा पीडीएफ में एक पेज बाय पेज देखा, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते दरभंगा का। दरभंगा वाले जो कॉलेज यानी कि सीएम साइंस कॉलेज के पहले हम बात कर ले, सीएम साइंस कॉलेज के साथ तो गजब ही खेला करती है ये लोग। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के, हम दोस्तों बात करें तो बॉटनी, जी हाँ दोस्तों बॉटनी में अगर और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट की बात करें, दोस्तों जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो है 88, जी हाँ 88। और वहीं हम पास वाले बच्चे की बात करें तो पास सिर्फ 54 बच्चे हैं। फेल कितने हैं 88, पास कितने हैं 54, और प्रमोट एक बच्चे को सिर्फ लगा है प्रमोट। वहीं दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, मैं पहले सीएम साइंस का ही बात कर लेता हूं, दूसरे सब्जेक्ट यानी कि मैं बात कर लेता हूं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले बच्चे भी बचे नहीं है सीएम साइंस वाले का। सीएम साइंस में केमिस्ट्री में जो फेल बच्चे हैं वो 78 बच्चे हैं, 78 बच्चे को फेल कर दिया गया। और वहीं पास हुए हैं 91 और प्रमोट सिर्फ 3 स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है। और हम दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ का। जी मैथ में जो बच्चे फेल किए हैं वो है 78 और जो पास किए वो है 108। देख सकते 78 बच्चे मैथ में फेल किए हैं और पास किए 108 और वही प्रमोट 2 बच्चे किए हैं। ये सारा कुछ मैं डाटा दोस्तों मैं देख के बता रहा हूं, मैं सारा कुछ लिख के लाया हूं, कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल किए हैं, पास किए हैं, प्रमोट किए हैं। वही दोस्तों फिजिक्स, जी हाँ दोस्तों फिजिक्स वाले बच्चे सीएम साइंस के जो फेल किए हैं वो 85 बच्चे को फेल कर दिया गया, यानी कि 85 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। और पास वाले बच्चे 75 है, यानी कि आधे से ज्यादा बच्चे को दोस्तों फेल कर दिया गया है। और प्रमोट 7 स्टूडेंट हैं। और वहीं दोस्तों जूलॉजी,
बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में दोस्तों जो बात करूं तो 81 बच्चे को फेल कर दिया गया है, और वहीं पास वाले बच्चे की दोस्तों बात करूं तो 134, और वहीं प्रमोट वाले बच्चे की बात करूं दोस्तों वो तो 5 है। ऐसा क्यों सीएम साइंस के बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और भी कॉलेज में हम नाम ले रहे हैं, सीएम साइंस एक ऐसा इकलौता कॉलेज नहीं है जिसके बच्चे के साथ इतना नाइंसाफी हुआ है। ये नाइंसाफी कह सकते हैं क्योंकि अगर दूसरे कॉलेज का रिजल्ट इतना अच्छा अगर आ सकता है तो सीएम साइंस का रिजल्ट इतना खराब क्यों? प्रश्न चिन्ह तो बनता है, या तो कॉपी बहुत अच्छा चेक हुआ होगा या फिर कॉपी चेक ही सही से नहीं हुआ है, ऐसा मुझे ऐसा संभावना लग रहा है। अब हम बात कर लेते दोस्तों केएस कॉलेज, जी हाँ केएस कॉलेज लहरियासराय, उसमें जो मुझे सबसे खराब रिजल्ट जहां तक मुझे लगा वो है फिजिक्स वाले बच्चे के साथ, जिसमें फिजिक्स वाले बच्चे 11 फेल है और पास 24 है और परमोट 16 बच्चे हैं। तो लगभग इसमें भी समझिए जितने बच्चे पास किए उतने बच्चे फेल और परमोट कर चुके हैं, यानी कि 27 बच्चे को परमोट यानी फेल और परमोट को ऐड की जगह 27 और पास हुए हैं 24। एमआरएम कॉलेज, जी हाँ एमआरएम कॉलेज की दोस्तों बात कर ले, एमआरएम वाले में भी ठीक ठाक बच्चे को फेल किया गया है जूलॉजी में, बाकी सबका रिजल्ट ठीक ठाक है लेकिन जूलॉजी में 38 बच्चे को फेल किया गया है और परमोट 13 बच्चे को किया गया है। वहीं मारवाड़ी कॉलेज, जी हाँ मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा की बात कर ले दोस्तों, तो फिजिक्स वाले बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हो चुका है। बहुत सारे कॉलेज में फिजिक्स का रिजल्ट बहुत खराब आया है, अब क्या रीजन है समझना पड़ेगा, और जब तक इसका फाइनल मार्कशीट नहीं आता उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा कितना कितना मार्क आया है। फिजिक्स में दोस्तों जो फेल हुए हैं बच्चे वो है 9 और पास हुए हैं बच्चे 19 और परमोट 23 बच्चे को, दोस्तों 23 बच्चे को परमोट कर दिया गया है, किसमें? मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में। अब हम बात कर लेते हैं जीडी कॉलेज बेगूसराय का। जीडी कॉलेज का हाल भी कुछ उतना अच्छा नहीं है, बॉटनी में फेल हुए हैं 55 बच्चे, केमिस्ट्री में फेल हुए हैं 24 बच्चे, फिजिक्स में फेल हुए 28 बच्चे, जूलॉजी में फेल हुए 33 बच्चे और परमोट वाले का भी संख्या लगभग लगभग 30, 31, 32, 34। बहुत सारे कॉलेज का लिस्ट दोस्तों बाकी है, हम बताते हैं आपको। मिल्लत कॉलेज, यहाँ मिल्लत कॉलेज दरभंगा, इसका हाल भी जितना ही बच्चा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा सा कम था लेकिन जो भी बच्चा था रिजल्ट बहुत खराब आया उस कॉलेज का। बॉटनी, जी दोस्तों बॉटनी में पास हुए हैं 18 बच्चे, फेल किए हैं 26 बच्चे और परमोट किए हैं 3 बच्चे। केमिस्ट्री में पास किए हैं 7 बच्चे, फेल किए हैं 24 बच्चे, परमोट किए हैं 4 बच्चे। मैथ, मैथ में पास किए हैं 11 बच्चे, फेल किए हैं 22 बच्चे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 और परमोट हुए हैं 2 बच्चे। फिजिक्स, फिजिक्स सब कॉलेज का बच्चों को लेकर डूब चुका है, सबका हाल खराब कर दिया फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में जूलॉजी में स्पेशली ज्यादा बच्चे को फेल कर दिया गया है। फिजिक्स में दोस्तों बात करें मिल्लत कॉलेज में तो 7 बच्चे को पास किया गया है और 18 बच्चे को फेल कर दिया गया है और वही 2 बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है। जूलॉजी, जूलॉजी वाले का भी रिजल्ट बहुत गंदा आया है। जूलॉजी में अगर दोस्तों मिल्लत कॉलेज वाले बच्चे की बात करें तो जूलॉजी में 99 यानी कि शतक से एक कम बच्चे को पास किया गया और फेल वाले बच्चे हैं 114 यानी कि शतक पार हो चुका है, 114 बच्चे को फेल कर दिया गया और पास हुआ 99। अब चलते हैं हम जेएन कॉलेज के तरफ। जेएन कॉलेज का भी हाल कुछ उतना अच्छा नहीं है, बॉटनी में 5 बच्चे को पास किया गया, 8 बच्चे को फेल किया गया, 3 बच्चे को प्रमोट किया गया, केमिस्ट्री में 1 बच्चे को पास किया गया, 14 बच्चे को फेल किया गया, 1 बच्चे को प्रमोट किया गया है, मैथ्स में 22 बच्चे को पास किया गया है और 36 बच्चे को फेल किया गया है और 7 बच्चे को प्रमोट किया गया है, और फिजिक्स में टोटल के टोटल यानी कि 7 स्टूडेंट थे, 7ों के 7ों बच्चे को फेल कर दिया गया है, जो कि पीडीएफ में जो डाटा आया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। जूलॉजी में 56 बच्चे को पास किया गया और 51 बच्चे को फेल कर दिया गया, वहीं 10 बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है। वहीं डीएनवाई कॉलेज में भी एक सब्जेक्ट का रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा खराब है, जूलॉजी का। जूलॉजी में पहले से बोल रहा हूँ फिजिक्स और जूलॉजी का हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। डीएनवाई कॉलेज जो मधुबनी में है उसमें 26 बच्चे को पास किया गया और 44 बच्चे को फेल कर दिया गया है
और प्रमोट दो बच्चे को किया गया है। अब चलते हम समस्तीपुर की तरफ। समस्तीपुर में एएनडी कॉलेज समस्तीपुर का दोस्तों हाल उसका भी ठीक ठाक नहीं है। उसमें भी बॉटनी में 34 बच्चे को फेल किया गया, केमिस्ट्री में 31 बच्चे को फेल किया गया, मैथ में 19 बच्चे को फेल किया गया, फिजिक्स में 31 बच्चे को फेल किया गया और जूलॉजी में 88 बच्चे को दोस्तों फेल कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते आरबी कॉलेज समस्तीपुर। आरबी कॉलेज समस्तीपुर का भी हाल कुछ ऐसा ही है, लगभग आधे बच्चों को फेल कर दिया गया। मैं नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट बता देता हूं। बॉटनी में 47 बच्चे को फेल किया गया है, केमिस्ट्री में 57 बच्चे को फेल किया गया है, मैथ में 36 बच्चे को फेल किया गया है, फिजिक्स में 71 बच्चे को फेल किया गया है और जूलॉजी में 93 बच्चे को फेल किया गया है। वही हम बात कर लेते हैं आरबीएस कॉलेज समस्तीपुर। समस्तीपुर में बॉटनी के 51 बच्चे को फेल किया गया है, केमिस्ट्री के 15 बच्चे को फेल किया गया है, मैथ के 15 बच्चे को फेल किया गया है, फिजिक्स के 38 बच्चे को फेल किया गया है और वहीं जूलॉजी के 52 बच्चे को फेल किया गया है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आरएनएआर कॉलेज समस्तीपुर। बॉटनी में इसका रिजल्ट भी बहुत गंदा दिया है। अब रिजल्ट गंदा दिया है, कॉपी गंदा चिखवा है, वो आप समझ लीजिए। क्या आपको लगता है अपना अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा, लेकिन इसका समझ लीजिए आरएनएआर कॉलेज समस्तीपुर का। बॉटनी में 56 बच्चे को फेल किया गया है, केमिस्ट्री में 80 बच्चे को फेल किया गया है, मैथ में 23 बच्चे को फेल किया गया है, फिजिक्स में 60 बच्चे को फेल किया गया है और जूलॉजी में 80 बच्चे को फेल किया गया। कि आप लोग क्या सोचते हैं इस रिजल्ट के बारे में? अगर मेरा पर्सनल रिव्यू माना जाए तो रिजल्ट तो शक के दायरे में है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बच्चे को इस बार फेल किया गया है। स्पेशली कुछ कॉलेज को संभवतः टारगेट भी कर सकता है, जैसे सीएम साइंस कॉलेज, आरबी कॉलेज, आरबी कॉलेज, जेएन कॉलेज, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिसका सारा का सारा रिजल्ट जो है लगभग आधे बच्चे को फेल कर दिया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस पे कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले जो कि इस पे कुछ न कुछ होना चाहिए, तो आप लोग के तरफ से सपोर्ट जरूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इस ये जो क्वेश्चन बनता है इतने बच्चों को क्यों फेल कर दिया गया है, ये यूनिवर्सिटी से पूछना बनता है। तो आप लोग जब तक सोए रहिएगा कुछ भी नहीं होने वाला है। यूनिवर्सिटी को प्रेशर था, जल्दी रिजल्ट देना था, उसको जल्दी रिजल्ट देना था। इस प्रेशर का ही संभवतः ये कारण है कि इतना ज्यादा बच्चे के साथ ना इंसाफी बोल सकते हैं, इतना ज्यादा बच्चे के साथ ना इंसाफी हुआ है। बहुत सारे बच्चे को फेल कर दिया गया है, प्रमोट तो बहुत कम बच्चे हैं, आधा के आसपास बच्चे तो फेल कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस पर कुछ सोल्यूशन निकले, आप लोग तैयार होइए, कमेंट सेक्शन में मुझे वो दिखना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यूनिवर्सिटी तक इसकी जानकारी मिलना चाहिए कि रिजल्ट कैसा रहा। सारे बच्चे को आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करना है, जो बच्चे पास कर गए उसको भी शेयर कीजिए, उसको भी नींद जागना पड़ेगा। अगर नींद नहीं जागेगा आपके साथ भी दिक्कत होगा, क्योंकि आपका ये 7 सेमेस्टर का एग्जाम और देना है, 7 सेमेस्टर का रिजल्ट और आएगा। ये तो सिर्फ झांकी है, आगे आगे क्या होता है आप लोग को देखते रहना है। ये मिथिला यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके हक के लिए लड़ाई आगे तक लड़ना पड़े, आप लोग का शेयर बनता है। धन्यवाद।